सिंगुलर सॉल्यूशंस का वीडियो नंबर 11, आप सभी का स्वागत। एग्जांपल्स विथ एक्सट्रानियस लोसी वीडियो नंबर 1, सॉल्वेबल फॉर पी वीडियो नंबर 1, समझ रहे हैं ना। यहां से हम शुरू कर रहे हैं एक्सट्रानियस लोसी पर एग्जांपल्स, और इन्हें भी हम क्लासिफाइड तरीके से वीडियोस आपको देंगे। सॉल्वेबल फॉर पी पर बेस्ड, सॉल्वेबल फॉर एक्स पर बेस्ड, सॉल्वेबल फॉर वाई पर बेस्ड और क्लेरेट इक्वेशन पर बेस्ड। तो पहले हम सॉल्वेबल फॉर पी वाला हिस्सा उठा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 9p² (2 − y² = 4 × 3 − y एंड फाइंड द एक्सट्रानियस लोसी। तो आइए देखें इन एग्जांपल्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं। 9p² (2 − y² इज इक्वल टू 4 × 3 − y। नंबर 1, दैट इज 9p² (2 − y² प्लस 0p − 4 × 3 − y इज इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इन पी, सो लेट अस राइट पी डिस्क्रिमिनेंट इक्वेटिंग टू 0। द पी डिस्क्रिमिनेंट वी हैव 0 − 4 × 9 × 2 − y² − 4 × 3 − y इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 2 − y² मल्टीप्लाइड बाई 3 − y इज इक्वल टू 0। नंबर 2, अब हम इक्वेशन नंबर 1 का जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन, सॉल्विंग 1 फॉर पी, सॉल्विंग इक्वेशन 1 फॉर पी, वी गेट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 और 3 − y / 2 − y² implies that p is equal to ±2/3 under radical 3 − y / 2 − y, that is p yani ki dy/dx is equal to ±2/3 under radical 3 − y / 2 − y। तो y की गठरी जरा भारी है, इसलिए dx को हम अकेला रखें। dx हम इधर कर दे रहे हैं, सब y वाले को इधर कर दे रहे हैं। implies that माइनस प्लस 3/2 (2 − y) / √3 − y dy इज इक्वल टू dx। अब इसका इंटीग्रल करना है, ये हम अलग से मार्जिन लगा करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ तो हम यही लैंग्वेज लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट। इस तरीके से कोई टुटपुंजिया टाइप का कैलकुलेशन मिल जाए तो उसको यहाँ पे सम्मान नहीं देना है, साइड में कर लेना है। तो साइड में देखो बच्चा, माइनस प्लस हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम ले रहे हैं 3/2 (2 − y) / √3 − y dy। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 3 − y = t² पुट कर दे रहा है। ये हो गया बराबर 3/2 (2 − y) कितना होगा, इसमें से 1 हटा लो, 2 − y = t² − 1 t² − 1/t। अब dy देखो, यहाँ माइनस dy आ रहा है तो dy में एक निगेटिव आ जाएगा और 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू −3 इंटीग्रल, टी से टी कैंसिल हो गया, t² − 1 dt इज इक्वल टू −3 ब्रैकेट में t³/3 − t। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वहाँ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उसको हम लिख देंगे इधर,
3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया माइनस ब्रैकेट में टी क्यूब माइनस 3t, चाहे तो इसको वैसे लिख दें माइनस टी कॉमन ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस 3, और ये बराबर हो गया माइनस, चलो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, इंटीग्रेटिंग वी गेट, ये वाला साइन रहेगा ही रहेगा, माइनस प्लस इसके बाद ब्रैकेट, फिर इंटीग्रल में आया है माइनस टी, टी यानी कि अंडर रूट 3 माइनस वाई इंटू ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस 3, यहाँ से देखें टी स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस वाई, ये इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो मिल गया एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 3 माइनस वाई। ये जनरल सोल्यूशन है जो सी में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो सी में क्वाड्रेटिक बढ़िया से इसको लिखा जाए पहले। यहां लिख लेते हैं पी डिस्क्रिमिनेंट 2 माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और अभी हम सी डिस्क्रिमिनेंट निकालने जा रहे हैं, आइए निकालें फिर उसको भी लिख देंगे, इसे आगे बढ़ाएं, इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर प्लस 2xc और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सी डिस्क्रिमिनेंट 4x² माइनस 4 ब्रैकेट में x² माइनस y² इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 4x² कैंसिल हो गया, अब जो बच गया वो है y² इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नंबर 4, वाई स्क्वायर इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम चार्ट बनाएंगे एक अच्छा लगने के लिए, प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए। टेबल जो मैं बना रहा हूँ वो बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम बस अच्छा लगने के लिए बना रहे हैं, सुंदर लगेगा प्रेजेंटेशन, एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं, एग्ज़ाम में बस PDCs को देख करके आप फैसला लिखिए। अभी एक चार्ट बनाने जा रहे हैं, चार्ट न कहिए टेबल कहिए, फैक्टर्स की संख्या गिन लो, एक तो 3 माइनस वाई दिख रहा है एक ना, और एक वाई दिख रहा है दो, और एक 2 माइनस वाई दिख रहा है 3, और एक हेडिंग 4। ठीक ना, अब एक में तो लिखा जाए फैक्टर्स, फैक्टर यहाँ पे फैक्टर, फिर लिखिए प्रेजेंस, प्रेजेंस इन पी डिस्क्रिमिनेंट, फिर लिखिए प्रेजेंस इन सी डिस्क्रिमिनेंट, और रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये एक कॉलम ज़्यादा बन गया है, रिस्पॉन्सिबल फॉर। फैक्टर कौन कौन है, एक तो फैक्टर है 3 माइनस वाई, और एक फैक्टर है 2 माइनस वाई, पहले PDCs देखिएगा, और एक फैक्टर है वाई। ये टेबल बना के आप क्वेश्चन के सोल्यूशन को प्रेजेंट करोगे तो अच्छा लगेगा, देखो आपको अच्छा लगेगा। 3 माइनस वाई पी डिस में एक घात में है, और सी डिस में भी एक घात में है, तो उसी को हम वंस वंस लिखते हैं, वंस वंस, और जो दोनों में वंस वंस हो
वो सिंगुलर सोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 2 माइनस वाई देखो पी डिस में स्क्वायर्ड है, पी डिस में स्क्वायर्ड है और सी डिस में एब्सेंट है, ये होता है टैक लोकस, टैक लोकस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाई पी डिस में एब्सेंट है, सी डिस में स्क्वायर्ड है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है नोड लोकस के लिए। ऐसे कितना सुंदर लग रहा है, आपको अच्छा लगेगा दो बार आप करोगे, हो सकता है पहली बार करने में आपको झुंझलाहट हो लेकिन आप दो बार करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। रिजल्ट यहाँ पे हम लिखेंगे, इसके बाद ये बनाया, इसके बाद फ्रॉम 2 एंड 4, ये 2 था ये 4, फ्रॉम 2 एंड 4 वी कंक्लूड दैट 3 माइनस वाई इक्वल टू 0 इज सिंगुलर सोल्यूशन कामा, और देखें 2 माइनस वाई इक्वल टू 0 इज टैक लोकस, ये सोल्यूशन नहीं होते, एक्सटानियस लोकस ये सब आपको हम बता चुके हैं सोल्यूशन नहीं होते, टैक लोकस एंड y = 0 इज नोड लोकस या नोडल लोकस भी लोग लिखते पढ़ते हैं, नोड लोकस फुल स्टॉप, ये है सोल्यूशन प्रेजेंट करने का तरीका। क्लियर, आइए दूसरा एग्जांपल देखें। एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सिमिलर एग्जाम्पल ही उठा रहे हैं हम, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 4xp square इज इक्वल टू 3x - a होल स्क्वायर एंड फाइंड द एक्सट्रानियस लोसी। जब क्वेश्चन में कहा जाएगा एक्सट्रानियस लोसी निकालो तभी निकालिएगा, और अगर लिखा है सॉल्व तो इसका मतलब जनरल सोल्यूशन और सिंगुलर सोल्यूशन निकालो, और अगर लिखा है फाइंड सिंगुलर सोल्यूशन तो आप सिंगुलर सोल्यूशन निकालिए, जाहिर सी बात है उसके लिए आपको जनरल सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, और अगर लिखा है फाइंड जनरल सोल्यूशन तो केवल जनरल सोल्यूशन निकालिए, समझदार बच्चे हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज पहले पढ़ लीजिए। फोर एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x - a होल स्क्वायर नंबर 1, इस p में क्वाड्रेटिक है, जरा इसको अच्छे से लिखिए, तो 4xp² + 0p - 3x - a होल स्क्वायर = 0। p डिस्क्रिमिनेंट 0 - 4 × 4x - 3x - a होल स्क्वायर = 0। b² - 4ac, तो कुल मिला के हो गया इम्प्लाइज दैट x × 3x - a होल स्क्वायर = 0 नंबर 2 चेक कर लो, और इसे कहीं हम लोग कोने में नोट कर लें। p डिस्क्रिमिनेंट x × 3x - a होल स्क्वायर = 0, इस पे इक्वेशन नंबर 2 पड़ा है। ठीक है भाई, अब चलो जनरल सोल्यूशन निकालें, क्योंकि जनरल सोल्यूशन से ही हमको सी डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा।
दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर पी. सॉल्विंग इक्वेशन वन फॉर पी. वी हैव पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 4x इम्प्लाइज दैट पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. ठीक है भाई. और 3x माइनस ए अपॉन रूट एक्स डेट इज पी को हम लिख दें dy बाई dx इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 3x माइनस ए अपॉन रूट एक्स. इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3 रूट एक्स माइनस ए अपॉन रूट एक्स. तो उसको हम लिख दें ए इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2. डी एक्स को उधर कर लें इम्प्लाइज दैट डी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 ब्रैकेट 3 रूट एक्स माइनस ए एक्स टू द पावर माइनस 1/2 डी एक्स. अब इंटीग्रेट कर दें. इंटीग्रेटिंग वी गेट y प्लस c इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स टू पावर 3/2 यानी कि 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 यानी एक्स रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 यानी कि 2 रूट एक्स इज इक्वल टू ये टू बैलेंस हो गया ये थ्री लोकली बैलेंस हो गया तो हो गया प्लस माइनस ब्रैकेट एक्स रूट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट एक्स भी तो रहेगा यहाँ पे रूट एक्स को बाहर खींच लिए तो जाएगा एक्स माइनस ए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए इम्प्लाइज दैट वाई प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर दिस इज क्वाड्रेटिक इन सी इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर प्लस टू वाई सी प्लस ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नंबर 3 ये जनरल सोल्यूशन है. यही जनरल सोल्यूशन. सी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4y स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 4y स्क्वायर कैंसिल हो गया और फिर कुल मिला के आ गया x इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नंबर 4 ये c डिस्क्रिमिनेंट है वहाँ पे इसको लिख लेंगे. x इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नंबर 4 ये c डिस्क्रिमिनेंट. अब वही चार्ट बनाइए. फिर चार्ट बोल दिया मैंने चार्ट ना कहिए उसको कोई टेबल बनाइए. वैरायटी देख लो. 3 वैरायटी है तो एक हेडिंग 4x4 का टेबल बनेगा. वैरायटी मतलब कितने फैक्टर्स हैं. तो फैक्टर्स कौन कौन एक तो एक्स फैक्टर है एक एक्स माइनस ए फैक्टर है एक 3x माइनस ए फैक्टर है. फैक्टर्स की वैरायटीज हो गई 3. तो एक हेडिंग के लिए बढ़ा के 4x4 की टेबल बनाइए. एक 2 3 और 4 ये रहा 1 2 3 और 4. थोड़ा थोड़ा दाहिने बढ़ा दें यानी कि 1
एक दो तीन चार, यहाँ लिखिए फैक्टर और प्रेजेंस इन पी डिस, यानी ये फैक्टर पी डिस में किस हैसियत से प्रेजेंट है, प्रेजेंस इन पी डिस्क्रिमिनेंट, प्रेजेंस इन सी डिस्क्रिमिनेंट और रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये फैक्टर किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर, उठाइए फैक्टर पहले उसको उठाया करिए जो दोनों में दिखाई पड़े एक्स, फिर उसे उठाइए जो पी डिस में स्क्वायर्ड हो 3x माइनस ए, फिर उसे उठाइए जो सी डिस में स्क्वायर्ड हो x माइनस ए, फिर उसे उठाइए लास्ट वाला जो पी डिस में वंस हो सी डिस में क्यूब्ड हो, याद है ना, जिस क्रम में हम आपको शुरू में सिखाए थे बस वही क्रम लेके हम चल रहे हैं, कहीं डिस्टर्बेंस हम नहीं होने देंगे। तो x वाला जो फैक्टर है पी डिस सी डिस दोनों में एक एक डिग्री का है, माने वंस वंस लिखेंगे इसको, वंस वंस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंगुलर सोल्यूशन, ओके। फिर 3x माइनस ए पी डिस में स्क्वायर्ड है और सी डिस में एबसेंट है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक लोकस है। x माइनस ए पी डिस में एबसेंट है, सी डिस में स्क्वायर्ड है और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड लोकस होता है। ये तरीका बेटा लिख रहेगा, अब आइए फिनिश करें, कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखें। फ्रॉम टू एंड फोर वी कंक्लूड दैट फाइनली, फ्रॉम टू एंड फोर वी कंक्लूड दैट x इक्वल टू जीरो इज सिंगुलर सोल्यूशन, 3x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इज द टेक लोकस एंड x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इज द नोड लोकस। ये बेटा सोल्यूशन को प्रेजेंट करने का बेहतरीन तरीका, अभ्यास करिए, आदत डालिए, वीडियो लाइक करिए। सॉल्वेबल फॉर पी पे अगला वीडियो भी हम देंगे, उसमें एक दो एग्जांपल्स और भी हमको दिखे अच्छे, उनको भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक्स।